मोटे मोटे तौर पे ये वो मुद्दे हैं जिनसे दिल्ली की जनता, जो दिल्ली की जनता के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा, पोल्यूशन इम्पोर्टेंट मुद्दा, सीवर, पानी, मेट्रो, सफाई, ये सारे MCD, ये सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। तो इन इम्पोर्टेंट मुद्दों के ऊपर जो भी ज़रूरत है वो उसको किया जाए। और मैं अपनी तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के यही कहूँगा कि आप चुनाव की चिंता मत करना, आप प्लीज़ गो अहेड, प्रेजेंट अ गुड बजट फॉर द कंट्री एंड फॉर दिल्ली। अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र से वो फंड मांग लेगी, आपको लगता है कि निगम को सीधे केंद्र से फंड मिलना चाहिए? वो संवैधानिक एक वो है कि जाएगा तो दिल्ली सरकार के जरिए, लेकिन हमने कई बार केंद्र को भी बोला है कि आप सुबह दीजिए, शाम तक हम भेज देंगे, उसमें से एक पाई नहीं रखेंगे। आप MCD के लिए जितना फंड देना चाहते हैं आप दीजिए, हम तुरंत उसको एज इट इज भेज देंगे। चुनाव लड़ेंगे आपके खिलाफ कपिल मिश्रा जी, तो वो आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी की वोटों में कमी आएगी? इस देश के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वतंत्र देश है, विधायक है ना वो। जो मर्जी लड़े उसका कोई चिंता की बात नहीं है। संदीला को टिकट पर विवाद हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके भतीजे पर रेप का आरोप था। कौन कह रहा है? वही के लोग, BJP वाले, वो तो ना ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है, उनकी मैंने देखा है, आम आदमी पार्टी अपने तीनों चीजों के ऊपर कमिटेड है, 3C जो हमने कहा था, क्राइम, करप्शन, कैरेक्टर, और उससे हम कभी नहीं डिगेंगे। हम राजनीति साफ करने के लिए आए हैं और उस साफ राजनीति की वजह से ही आज हम इतने सारे काम कर पाए हैं, तो वो हमारा कमिटमेंट हमेशा है और रहेगा। सारी पार्टियां पूरी कोशिश करेंगी, वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं और उम्मीद करता हूं कि हमेशा परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। सर, जिनको टिकट नहीं मिली है उनने ये भी अलर्ट कराया कि टिकटें बेची जा रही हैं आम आदमी पार्टी। जब नहीं मिलती है तो तरह तरह के एलिगेशन आते ही हैं।